हवा को चीरती हुई सफ़ेद रंग की महंगी एक कार हाईवे पर दौड़ रही थी, जिसमें गुजरात के नामी सेठ रतनलाल और उनकी धर्मपत्नी किसी परिजन के विवाह समारोह में शामिल होने मध्य प्रदेश आए थे। धन संपदा इतनी थी कि पीछे चल रही दूसरी कार नौकर चाकरों से भरी थी। सेठ का एक बेटा विदेश में व्यापार की ट्रेनिंग लेने गया हुआ था, वहीं बिटिया का विवाह देश के नामी घराने में हो चुका था। सेठ रतनलाल कार में बैठे अपनी कंपनी के कर्मचारियों को मोबाइल पर लगातार निर्देश दिए जा रहे थे। कार एक छोटे से गांव से गुजर रही थी, जहां सड़क के दोनों ओर 10-25 छोटे कच्चे मकान बने हुए थे। सड़क के किनारे पर छोटी सी एक गुमटी रखी हुई थी, जहां 2-4 लोग चाय नाश्ता करने में व्यस्त थे। आगे जाकर नदी के ऊपर बड़ा सा पुल था। सड़क किनारे लगे हैंडपंप के पास अचानक सेठ ने ड्राइवर से कार रोकने को कहा। कार हैंडपंप से कुछ आगे बढ़ चुकी थी। सेठ ने ड्राइवर से कार को हैंडपंप के पास ले जाने को कहा। तब तक पीछे से आ रही कार भी आकर रुक गई। सेठ जी को कार से उतरता देखकर नौकर चाकर बाहर निकल आए थे, किंतु सेठ जी ने सभी को इशारा किया कि वे गाड़ी में ही चुपचाप बैठे रहें। सेठ जी को हैंडपंप की ओर जाते हुए देखकर सभी आपस में बात करने लगे कि घर और ऑफिस में सेठ जी केवल आरओ का ही पानी पीते हैं, फिर हैंडपंप पर क्यों जा रहे हैं। इस एकांत स्थान पर लगे हैंडपंप पर एक दुबली पतली मध्यम कद वाली बेहद आकर्षक युवती पानी भर रही थी। इस युवती की सादगी और रूप देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवी इस एकांत स्थान पर खड़ी हो। सेठ ने युवती से कहा, मुझे पानी पीना है, जिस पर युवती ने अनजान राहगीर सेठ को बड़ी आत्मीयता और आदर के साथ पानी पिलाया। पानी पीने के बाद सेठ ने युवती से उसका परिचय पूछा, जिस पर युवती ने अपना नाम वैभवी बताया और पास ही बने कच्चे घर की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह उसका घर है, जहां वह अपने परिवार के साथ रहती है। वैभवी अपने घर में 2 छोटे भाई और माता पिता के साथ रहती है। उसने बताया कि वह जो दूर गुमटी दिखाई दे रही है, वह उसकी पिता चलाकर परिजनों का भरण पोषण करते हैं। वैभवी घर में बड़ी है, सो घर के कामकाज में माता जी का हाथ बटाती है। कॉलेज दूर होने के कारण उसने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी है। सेठ रतनलाल हैंडपंप की मुढ़ेर पर बैठकर बड़े इत्मीनान से वैभवी की बातें सुनने लगे। सेठ जी के इस व्यवहार से सब अचरज में पड़े हुए थे, क्योंकि पहले कभी सेठ जी ने ऐसा नहीं किया था। अब सेठानी कमला देवी भी सेठ जी के पास आ पहुंची थी। ना जाने क्यों इस राहगीर अनजान सेठानी के वैभवी ने पैर छू लिए। इस व्यवहार से कमला देवी भी बड़ी प्रसन्न हुई। सेठ रतनलाल कुछ देर और वैभवी से बातें करते रहे। बहुत सारी बातें जानने के बाद सेठ रतनलाल ने वैभवी से कहा, अब हम लोग चलते हैं। वैभवी ने फिर दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। रतनलाल बोले, बेटी तुम्हारी बातों से मन नहीं भर रहा, ऐसा लग रहा है कि तुमसे और बात करते रहें, खैर हम फिर कभी यहाँ आएंगे। इतना कहकर रतनलाल और कमला देवी गाड़ी में बैठ गए। अब गाड़ी फिर हवा में बातें करने लगी। कमला देवी बोली, कितनी प्यारी बिटिया थी, मानो कोई देवी हो, मन मोह लिया इसने तो। रतनलाल ने सिर्फ हाँ बोला और चुपचाप किन्हीं ख्यालों में खोए रहे। शादी समारोह में शामिल होने के बाद सेठ रतनलाल गुजरात वापस लौट गए। वैभवी ने भी घर जाकर सारी बात अपनी माँ को बतलाई। माँ ने कहा, बेटा उन लोगों को घर बुलाकर चाय पीने को और कुछ देर आराम करने को कहना था, बात आई गई हो गई, वक्त कब गुजर गया पता ही नहीं चला। इस बात को हुए तकरीबन 1 साल गुजर गया था। सेठ रतनलाल के बेटे ने विदेश से आकर व्यापार को और बढ़ा लिया था। व्यापार में खूब तरक्की हो रही थी। एक दिन सेठ ने अपने बेटे और पत्नी से कहा, कल हम लोग 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तैयारियां कर लें। दूसरे दिन सेठ अपने परिवार और नौकर चाकरों के साथ
तीन चार कारों से हाईवे पर दौड़ रहे थे। पत्नी कमला देवी ने कहा, अब तो बता दें हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन सेठ रतनलाल ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर की चुप्पी के बाद रतनलाल ने कमला देवी को उस हैंडपम्प वाली लड़की की याद दिलाई। उसकी चर्चा से कमला देवी का मन प्रसन्न हो गया। कमला देवी ने हैंडपम्प वाली लड़की का पूरा वाक्या अपने बेटे को सुनाया। कमला देवी बोली, हैंडपम्प वाली लड़की इस शब्द को बार बार दोहरा रही थी। सो रतनलाल ने बीच में टोकते हुए कहा, उस बिटिया का नाम वैभवी है। कमला देवी बोली, आपको अब भी उसका नाम याद है। सेठ रतनलाल कहने लगे कि मुझे केवल उसका नाम ही नहीं बल्कि हर बात याद है। तभी बाहर देखते हुए कमला देवी को कुछ याद आया। वह बोली, अरे ये तो वही मध्य प्रदेश का गांव है जहां हम हैंडपम्प वाली लड़की मतलब वैभवी से मिले थे। कमला देवी चौंक कर रतनलाल से बोली, तो क्या हम पूरी बात होती उससे पहले ही। सेठ रतनलाल बोले, ठीक समझा, हम यहीं आए हैं और दो दिन यहीं रहेंगे भी। अब सभी वैभवी के घर के बाहर खड़े थे। सेठ ने गाड़ी से उतरकर वैभवी को आवाज़ लगाई। चाय की गुमटी चलाने वाले शिकरचंद के घर के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां देखकर सब के सब अचरज में थे। वैभवी घर के दरवाजे पर आई और सेठ जी सेठानी जी को देखकर पहचान गई। उसने दोनों को चरण स्पर्श किया, अपने हम उम्र सेठ के बेटे मुकुल आनंद से हाय हेलो किया। सेठ ने वैभवी के घर पहुंचकर उसके माता पिता को अपना परिचय दिया और वह एक साल पहले हैंडपम्प वाली बात भी बतलाई। सेठ ने वैभवी के माता पिता से आग्रह किया कि उन्हें दो दिन यहाँ रुकना है, घर में रुकने का स्थान दे दें। रतनलाल ने कहा, खाना पीना सब हमारे कर्मचारी अपने हिसाब से तैयार कर लेंगे, आप हमें केवल रहने का स्थान दे दें। वैभवी के माता पिता ने उन सभी के रहने का इंतजाम कर दिया, लेकिन उन्होंने सेठ को इस बात के लिए मना लिया कि तीनों उन्हीं के साथ भोजन करेंगे। दो दिनों तक रहकर दोनों परिवार एक दूसरे के साथ आपस में अच्छे से घुल मिल गए। सेठ के पुत्र मुकुल आनंद की भी वैभवी के साथ अच्छी दोस्ती हो गई, दोनों में खूब बातें होने लगीं। वैभवी के माता पिता इस बात से खुश थे कि गुजरात के इतने नामी गिरामी सेठ उनकी कुटिया में दरी गलीचे पर सो रहे हैं। दो दिन बाद वैभवी के घर से सभी को जाने की तैयारियां करनी थी। दोनों परिवार बहुत खुश थे। सेठ रतनलाल ने पत्नी कमला देवी से कुछ एकांत में बात की, जिस पर खुश होते हुए वह बोली, आपने तो मेरे हृदय की बात कह दी। वैभवी मुकुल आनंद को उसी हैंडपम्प पर घुमाने ले गई जहां उसके पिता को हैंडपम्प से पानी पिलाया था। मुकुल ने वैभवी से कहा, तुम मुझे भी पानी पिला दो। वैभवी हैंडपम्प चला रही थी और विदेश में पड़ा मुकुल आनंद हाथ नल में लगाकर पानी पी रहा था। अब दोनों का एक दूसरे को देखने का अंदाज बदला बदला सा था। घर पर दोनों परिवारों में भी कुछ खास चर्चा शुरू हो चुकी थी। सेठ रतनलाल ने एकांत में वैभव से बात कर अपने बेटे के साथ उसके विवाह का प्रस्ताव रखते हुए उसकी रजामंदी पूछी। वहीं रतनलाल ने अपने बेटे से वैभवी के साथ विवाह की बात कही। वैभवी और आनंद दोनों मन ही मन एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, सो दोनों ने तुरंत अपनी स्वीकृति दे दी। उधर दोनों परिवार भी रिश्ते के लिए तैयार थे। सेठ रतनलाल ने अपने कर्मचारियों से गाड़ी में रखे विशेष सूटकेस लाने को कहा। इस सूटकेस में वैभवी के लिए सेठ जी गहने कपड़े सहित कई उपहार लाए थे। दोनों परिवारों ने मिलकर वैभवी और आनंद की शादी तय कर दी। सेठ रतनलाल ने वैभवी के पिता से कहा, हमें केवल बेटी चाहिए, सो आप लोगों को किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम बिटिया की शादी धूमधाम से करेंगे। सेठ और उनका परिवार फिर अपने शहर की तरफ खुशी खुशी रवाना हुए। अब हैंडपम्प वाली लड़की सेठ परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। इस बार हैंडपम्प वाली लड़की की यादें मुकुल आनंद को सता रही थीं।